साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गांव ही जेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे, आए दिन होते रहते थे। कभी ट्रेन में धमाके, कभी बस में धमाके, कभी स्टेशन पे धमाके। उन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? हमारा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, यानी हर किसी की जान पर संकट था। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। भाई और बहनों, याद करिए, पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी। हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन सरकार को सांप सूंघ जाता था। चौकीदार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अब भारत ने दुनिया के सामने दुहाई देना बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप इस मजबूत भारत से खुश हैं? घर में घुसकर आतंकियों को मारना की नाती आपको मंजूर है? भाइयों और बहनों, आप तो खुश हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जिन्होंने बरसों पहले देश की भावनाओं को समझना ही छोड़ दिया। साथियों, इस बार तो हद ही हो गई है। कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बना देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पाप उन्हीं की पैदावार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है। अरे शरद राव, आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस को तोड़ दी थी। अब देश में दो प्रधानमंत्री होने की बात पर
आप कब तक चुप रहोगे, कब तक चुप रहोगे? ये दो प्रधानमंत्री वाली बात आपको मंजूर है? जिस कश्मीर के लिए देश के हजारों जवानों ने बलिदान दिया, क्या वो कश्मीर के टुकड़े होने देंगे? क्या कांग्रेस से फिर हाथ मिलाने के बाद आप भी विदेशी चश्मे से भारत को देखने लग गए? अरे शरद राव, आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने, क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या? आपके साथी खुलेआम भारत में दो प्रधानमंत्री होने की बात कर रहे हैं। अरे छत्रपति शिवाजी की धरती के होकर आपको नींद कैसे आ रही है शरद राव?